हिमाचल प्रदेश में मई महीने में मौसम बार बार करवट ले रहा है। मौसम के करवट लेने से मंडी जिला के ऊपरी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि होने के कारण बागवानों की सेब की फसल तबाह हो गई है। इस कारण कोरोना संकट के बीच बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जानकारी देते हुए मंडी जिला के रोहांडा पंचायत के पूर्व प्रधान प्रकाश चंद ने बताया कि एक तरफ देश और प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारी ओलावृष्टि होने से क्षेत्र के बागवानों की करोड़ों रुपए की सेब की फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से धर्मपुर और सराज क्षेत्र में सेब के पेड़ों पर जालियां लगाने को लेकर बजट का प्रावधान किया है, उसी तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी सेब के पेड़ों पर जालियां लगाने का बजट में प्रावधान किया जाए, ताकि किसान और बागवान राहत की सांस ले सके। हिमाचल ही नहीं अपितु पूरा हिंदुस्तान आजकल जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। उसके बावजूद हमारे किसानों को, बागवान जो है एक सेब की फसल के ऊपर ही डिपेंड है, उन्हें भी भारी ओलावृष्टि का सामना करना पड़ रहा है। मेरी हिमाचल सरकार से प्रार्थना है कि जैसा ही बजट जालियों के लिए सराज और धर्मपुर के लिए किया गया, ऐसा ही बजट हमारे सुंदरनगर ब्लॉक के लिए भी इसका प्रावधान किया होता तो काश आज हमें ये दिन ना देखने को मिलते कि एक छोटे किसानों को आज एक जो कि सेब की फसल के ऊपर डिपेंडी है, उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से प्रार्थना है कि ऐसा ही बजट हमारे सुंदरनगर ब्लॉक को भी दिया जाए, ताकि यहाँ हमारे घिड़ी, रोहांडा, चौकी, अवकल, पंडार और निहरी, ब्रोकली, झुंगी के लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, ताकि वो उनको जो है भारी ओलावृष्टि का सामना ना करना पड़े। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। पंचशील नर्सिंग होम, नगरोटा, बगवां।